हेलो एवरीवन वॉइस आ रही मेरी बताइए फटाफट नमस्कार सभी को गुड इवनिंग वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार बताएं क्लियर है चलिए तो आज हम लोग क्वांट का मॉक टू करने वाले हैं आरआरबी के लिए है ना अर्थमेटिक है डीआई है अप्रोक्सीमेशन है नंबर सीरीज है तो इतनी सारी चीजें आज के आ, क्लास में होने वाली है फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सर 6 बजे वाला सेशन नहीं किया नहीं यार आज नहीं वहां पे नहीं था सेशन छ बजे वाला सेशन नहीं हुआ आज हंड्रेड कमेंट का बोला था मैंने हुई नहीं हंड्रेड कमेंट होते तो सेशन होता मैं अपनी बात का पक्का हूं भाई तुम लोग को समझना चाहिए ये चीज है कि नहीं चलो एक बार शेयर कर दो सारे लोग <coughs> सर प्लीज़ करवा दो सेशन ओके बिल्कुल करा देंगे यार उसमें क्या दिक्कत है बिल्कुल करेंगे हाल फिलहाल तो अभी क्वांट का मॉक टू कर लेते हैं हम लोग और अभी आप लोग देख रहे हो कि इतनी छोटी सी स्क्रीन क्यों है बड़ी सी स्क्रीन होना चाहिए यार फुल स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा है मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ आपको आ, ये हमारी वेबसाइट है अगर आपने वेबसाइट पर अभी तक अपना लाइक लॉग ही नहीं किया है ही नहीं किया है, तो कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीजें है वहाँ पे. आपके जो ना खैर मैं बताने के लिए आया हूँ बाय फैकल्टी वाला एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे दो कोर्सेज आ रहे हैं मेरे एक तो आ रहा है गति नाम से जो कि 12 जुलाई को आना है और इसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी ठीक है अब क्या क्या इसमें एडिशनल फीचर्स मिलेंगे वो मैं आपको एक बार खोल के बता देता हूँ इसमें देखो सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे ना तो कार लिखा है इधर पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसे देखो तो एडिशनल फीचर इधर पे देख लेते हैं अपन तो सबसे पहले देखोगे तो कार यानी कॉन्सेप्ट अप्रोच और रीडिंग के ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे ऑल कंसेप्ट विद प्रॉपर अप्रोच ठीक है अब जो काम की चीज है वो बता देता हूं मैं स्पेशली फोकसड ऑन कंसेप्ट एंड यूजेज ऑफ नंबर सिस्टम एलसीएम एलजेब्रा एलसीट्रा यानी देखो अभी आप लोग क्या देख रहे हो गेन्स में हमारे पास ना कुछ डी भी आ जाती हैं कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं अर्थमेटिक के जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं नंबर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें बिल्कुल बेसिक्स हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का ठीक है एलजब्रा वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में एल सी वाले भी पढ़ेंगे और एट सेक्टर यानी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लाइक ए सीरीज जी सीरीज एच सीरीज तो पूछ ही नहीं गई है बट मैं उसका भी आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक्स बता दूंगा तो यानी जितनी भी सीरीज़ होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये टाइप की सीरीज भी है ना और ये सारी चीजें आपको अर्थमेटिक वाले में मिलेंगी और अर्थमेटिक वाले में और क्या मिलेगा यहां पे आपको डीआई भी मिलेगी अर्थमेटिक डीआई में जो लॉजिकल क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही उसके साथ में क्वांटिटी कंपैरिजन डेटा सफिशियं फ्लर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन सेटिसफेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं यानी ईच एंड एवरी चीजें जो भी हमारे पास अर्थमेटिक्स से रिलेटेड आती हैं वो सारा कुछ हम लोग गति बैच में पढ़ेंगे मतलब अर्थमेटिक का अगर आपको जीरो भी नहीं आता है ना तो भी आप इसमें अर्थमेटिक सीख जाओगे है ना तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 45 प्लस कुछ क्लासेस हमारी इसमें होंगी जिसकी पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेंगी तो ये बैच है अब इस बैच की अगर आप प्राइस देखोगे ना तो यहाँ पे ये का देखेगा। ये बैंकिंग पर देखेगा सुपर इलीट के अंदर मिल जाएगा आपको ये बैच अगर आप बैंकिंग सुपर इलीट लेते हो ना तो उसके अंदर मिल जाएगा लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है सर बारह महीने के लिए और नौ महीने के लिए है ना इसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा लिख रही है अगर मेरे को सिर्फ आपका ही बैच लेना है तो ज्यादा है मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा नहीं है आप यहाँ पे जैसे नीचे आओगे ना और कूपन कोड वेटरन डालोगे ना आप तो यहाँ पे देखो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी सेवन मन फोर हो जाएगी जो कि फेयर है ना सिक्स मंथ के लिए है काफी सही है और देखो सीख जाओगे ना जब आप एक बार चीज तो आप ये सिक्स मंथ और ट्वेल्व मंथ नहीं देखेंगे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यार सिक्स मंथ बहुत होते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करना होती है है ना तो फिर ये हमारा बैच रहेगा इसमें सुपर इलीट में लेकिन हो जाएगा अगर आप वेटरन कोड लगाते हैं वेटरन कोड लगाने पर मिलेगा ये फायदा तो यहाँ पे भी वेटरन कोड लगाने से फायदा मिलेगा और यहाँ पे भी फायदा मिलेगा ठीक है तो ये तो हो गई चीज हमारी गति बैच की अच्छा अब दूसरा बैच जो है हमारा वो है वायु बैच अब वायु बैच भी यहीं पे पर फैकल्टी में जाओगे तो वायु बैच सेवनटीन जुलाई से चालू होगा फोर्टी प्लस इसमें सेशन होंगे फोर्टी प्लस सेशन सारी की सारी डीआईज होंगी ठीक है तो ये बैच है हमारा लॉजिकल एंड हाई लेवल डी बैच ओके तो इसमें जो मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं वो किस पे करेंगे न्यू टाइप चार्ट जो आते हैं हमारे पास न्यू टाइप की जो डीआई आती है काइंड ऑफ लॉजिकल डीआई होती है वो नंबर सिस्टम बेस्ड डीआई मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड जितने भी टाइप की डीआई बनते हैं एटलीस्ट एटमोस्ट वाले एंड न्यू टाइप ऑफ ग्राफ्स जितने भी टाइप के न्यू ग्राफ होते हैं वो सारे ग्राफ हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो आपने नहीं भी देखे होंगे ना वो भी हम लोग पढ़ लेंगे क्यों क्योंकि एक्सपेक्टेड है ना स्कैटर हम लोग ने पहले कभी नहीं देखा था लेकिन एग्जाम में आया तो करना पड़ा तो ऐसे और भी ग्राफ हैं जो अभी तक एग्जाम में इंट्रोड्यूस नहीं हुए इवन मॉक में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए तो वो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी है खैर ये बैच भी अगर आप देखोगे तो सेम प्राइसिंग पे ट्वेल्व नाइनटी नाइन लेकिन डिस्काउंट कूपन कोड लगाओगे तो यहाँ पे आपको सेवन वन फोर का बन जाए पड़ जाएगा सात सौ चौदह रुपए का ठीक है यार और बाकी इलीड में अगर आप आते हो सुपर इलीट में तो ये दोनों बैच मिल जाएंगे गति वाला भी मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा और तमाम वो जितने भी प्रोडक्ट है ऑलीबोर्ड पे वो सारे मिल जाएंगे लाइक प्रिलिम्स मॉक टेस्ट मेन मॉक टेस्ट सेक्शनल हाई लेवल डी आई ये प्रैक्टिस के लिए डेली लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन स्पीड इंप्रूवमेंट ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी क्लासेस भी मिल जाएंगी ये सारा जो कुछ आपको जो है वो इसमें मिल जाएगा खैर अब देख लेते हैं हम लोग सीधा अपनी क्लास पे आ जाते हैं तो क्लास आज हमारी है किसकी मिनिमॉक टू मिनिमॉक टू है हमारा आर आरबीस के लिए देख जरा कितने स्टूडेंट आ गए ठीक है यार स्टूडेंट तो थोड़ा सा शेयर और मारोगे तो और मजा आ जाएगा ओके सुपर इलिट इलिट नहीं सुपर ओके ठीक है भाई तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में रेडी लेकर बताइए तो सेशन स्टार्ट किया जाए फिर उस हिसाब से अच्छा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ में ये हमारी एप्लीकेशन है ओले बोर्ड की आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे भी कोर्स देख सकते हो अगर आप वेबसाइट में कन्वीनियंट नहीं है लैपटॉप में नहीं है और ये है टेलीग्राम ग्रुप की आई मेरे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में एड नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में एड हो जाना आज मैं रात में लाइव आऊंगा इस पर जहां तक है यस आज रात में मैं लाइव आऊंगा साढ़े दस या फिर ग्यारह बजे और यहां पे स्टूडेंट से मैं बकायदा बात भी करूंगा तो जिसके जो भी डाउट हैं कुछ भी अगर पूछना चाहते हो कुछ भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो ग्रुप में ऐड हो जाना तभी आप देख पाओगे वो तभी आप बात कर पाओगे मेरे से सिंपल सी बात है है कि नहीं हम्म वे पे डीआई करवा दो यार करवा देंगे यार दोनों बैच एक साथ बाय नहीं होगा दोनों बैच अगर एक साथ बाय करोगे तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा ना आपको दोनों की पेमेंट करना पड़ेगी तब भी अगर आप देखोगे तो पंद्रह सौ से ऊपर नहीं जा रहा यार दोनों को भी अगर आप देख लोगे तो कितना हो जाएगा सेवन फोर्टी नाइन सेवन फोर्टी नहीं तो है तो फोर्टीन ट्वेंटी एट हो रहा है पंद्रह सौ तो तब भी नहीं जा रहे भाई ठीक है अच्छी डील है मेरे हिसाब से सही है है ना मेरे हिसाब से सही है इंडिविजुअल जो कोर्स निकालता था ना मैं उसके हिसाब से बहुत सही है ये डील आप लोग देख लो अब बाकी वो तुम्हारे ऊपर है ओके okay, चलो स्टार्ट करते हैं फिर तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन जैसे कि मैंने आज बताया अप्रोक्सीमेशन है नंबर सीरीज है अर्थमेटिक है और डीआई है डीआई भी बहुत शानदार है और अर्थमेटिक भी बहुत अच्छे वाले हैं डीआई जो अब तुम देखोगे डी आई तब मैं बताऊंगा अभी पहले से नहीं बता रहा हूं सीधा करते हैं स्पीड में कर, अच्छा पहले मेरे को ये बता दो फास्ट फास्ट करना है या फिर स्लो स्लो करना है फास्ट फास्ट करना है तो मैं खट से स्टार्ट करूंगा नीचे लास्ट में खत्म और अगर स्लो स्लो तो मैं समझा समझा के करूंगा। मैं दोनों में रेडी आप लोग जो बोलोगे वैसा कर कर लेंगे हाँ जी फास्ट <coughs> फास्ट 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 करना है चलो तो 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 फिर फास्ट फास्ट कर लेते हैं तो दिस इस 900 तो बचेगा। दिस बचेगा एंड दो थ्री होगा ये और अपॉन में आ जाएगा है। ये हो जाएगा नाइन हंड्रेड प्लस टू ट्वेंटी और माइनस का वन फिफ्टी है अब इसमें से लेस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे हंड्रेड है ना ये नाइन हंड्रेड है ध्यान रखिएगा हंड्रेड बचेगा ट्वेंटी से जाएगा बचेगा माइनस का ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी जाएगा सेवेंटी फाइव तो आंसर आ गया नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है यार अच्छा दिस इज अंडर रूट नहीं है ये क्यूब रूट है क्यूब रूट इस चीज का है सिर्फ तो ये किसका होता है सेवनटीन ट्वेंटी का होता है ना सो दिस इज ट्वेल्व

अगला आ जाओ भाई अगला क्या है तीन मिसिंग नंबर सीरीज है हमारे पास ड्रास्टिक चेंज नहीं है यानी डिफरेंस लग रहा है भाई और डिफरेंस कितने का लग रहा है यहाँ पे ग्यारह का दिख रहा है मेरे को और यहाँ पे सात का दिख रहा और यहाँ पे पाँच का दिख रहा ठीक है अब यहाँ पे कितने का दिख रहा सेवनटीन का तो अगला क्या होगा वो नहीं पता अब देखो ये प्राइम नंबर दिख तो रहे हैं तुमको लेकिन बीच में एक तेरह मिसिंग है इधर पे तेरा वाला मेरा प्राइम नंबर क्यों नहीं है इधर पे यहाँ पे देखो यहाँ तो यानी प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो यहाँ पे टू आ जाएगा यहाँ पे फोर आ जाएगा यहां पे सिक्स आ जाएगा तो यहां पे एट आना चाहिए और एट यानी फाइव आना चाहिए और 25 अगला क्या है अगला क्या है लेकिन ये कोई भी टाइम नहीं है डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे एट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ट्वेंटी ट्वेल्व यहां आ जाएगा ट्वेंटी अब यहां पे और यहां पे नहीं पता अभी भी कुछ नहीं दिख रहा डबल डिफरेंस फोर यहाँ पे आ जाएगा एट अब देखो फोर टू जो एट एट टू जो होता है सिक्सटीन होगा तो यहाँ पे थर्टी सिक्स आएगा थर्टी सिक्स इसमें ऐड होगा ये सिक्सटीन तो इसका डबल थर्टी टू आएगा और थर्टी टू इसमें ऐड होगा तो यहां पे आ जाएगा सिक्सटी एट अब थर्टी सिक्स में इसमें दे तो दूं तो मेरे पास बन जाएगा कितना सेवेंटी सॉरी एट्टी एट्टी में सिक्सटी देंगे हंड्रेड नहीं होता यानी ये पैटर्न नहीं है तो पैटर्न कुछ और है फिर और दूसरा देखो अब फोर के बाद एट एट के बाद हमारा क्या हो सकता है फोर का टेबल भी हो सकता है ट्वेल्व ट्वेल के बाद थर्ट तो यहाँ पे सिक्सटीन आएगा और सिक्सटी के बाद फोर्टी एट आएगा तो थर्ट इस मैं इसमें देते दू तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स में फॉर्ट एट नहीं चल रहा काम तो ये भी नहीं है पैटर्न तो कुछ और पैटर्न है फिर तो एक काम करते हैं चार है आठ जुड़ा है फिर से चार जोड़ देते फिर से आठ जोड़ देते तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा थर्टी टू तो ट्वेंटी फोर दे देंगे तो इधर पे हो जाएगा तुम्हारा तो सिक्सटी एट और सिक्सटी एट में अगर थर्टी टू दे देंगे तो हो जाएगा हंड्रेड यानी आंसर है सिक्सटी एट तीन पैटर्न थे तीसरा परफेक्ट बैठा हमारा बुझे अगला आ जाओ भाई अगला क्या है अब ये देखो सेकंड टर्म पहले टर्म का आधा हो गया यानी जीरो पॉइंट फाइव हो रहा है ये ठीक है ये सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर हो रहा अगर एट से ट्वेंटी फोर हो तो वन पॉइंट फाइव यानी सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर हो रहा है तो यानी कि कितने का टू पॉइंट फाइव का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या जीरो पॉइंट फाइव देन पॉइंट फाइव यस वन पॉइंट फाइव के मल्टीप्लाई हो रहा है अगर एट से होता तो ट्वेल्व बनता ना तो सिक्सटीन है तो टू वन पॉइंट फाइव से ट्वेंटी फोर है फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ यह से हो रहा है होता है तो यहां पे यह होना चाहिए। तो फिर अगला जाएगा एंड इज फोर्टी तो नाइन फोर्टी फाइव आंसर बूझे बढ़िया हो गया काम। चलो अगला देखें मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि प्रिलिम्स वाली क्लास में स्टूडेंट कम आते हैं ऐसा क्यों फील होता है मुझे ऐसा होता है क्या चलो तो फिर ऐसा होता है तो लो करो क्वांटिटी कंपैरिजन निकालिए इसका आंसर अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन करो और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हाँ यार होता है ऐसा स्टूडेंट मेरे को देख ही नहीं रहे जितने यार पहले दूसरी क्लास में आए थे मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा था कि यार बोर्ड ज्वाइन करके तो मजा आ गया लेकिन मुझे क्या पता था यार यहाँ पे तो हालत खराब हो जाएगी मेरी हाँ क्या कहते हो तुम्हारे हिसाब से सही है क्या तुम्हारे हिसाब से सही है क्या, क्या? इतने स्टूडेंट आना चाहिए क्या क्लास में पिक्चर अभी बाकी है दो बड़ा है एक से मेरे को उससे पता तोड़ना पड़ना है करना है मेरे को कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे को तो ये पता पड़ना है कि क्वांटिटी वन की वैल्यू कितनी आ रही है और क्वांटिटी टू की वैल्यू कितनी आ रही है तब होता है मजेदार काम लेकिन हमको ये भी फास्ट फास्ट करना है सर क्वांटिटी कंपैरिजन आ सकता है कि यस इस लेवल का अगर है तो आर, आर में बिल्कुल आ सकता है क्यों देखो स्पीड ट्रेन सॉरी ए वन ट्वेंटी फाइव मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस फिफ्टी फाइव मीटर लॉन्ग ब्रिज ओके तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वन एट्टी मीटर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड है क्या हमारे पास नहीं लेकिन टाइम है हमारे पास टेन सेकंड तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे को क्या पता भाई स्पीड को ऐसे ले लेते हैं तो स्पीड हो गई इसकी एटी मीटर पर सेकंड क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में सॉल्व किया है सो वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एटीन मीटर पर सेकंड क्वांटिटी वन एटीन मीटर पर सेकंड ठीक है भाई अगला देखो अब बॉय कवर्स टू फिफ्टी टू किलोमीटर बाय अ ट्रेन इन थ्री आवर्स थर्टी मिनट्स ओके सो वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ठीक है भाई तो टू फोर्टी टू फिफ्टी टू किलोमीटर चल रहा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम तो स्पीड कितनी है पता नहीं भाई और टाइम कितना है थ्री पॉइंट फाइव 3.5 मिनट 3.5 फाइव आवर्स हो गया ये तो पॉइंट हटा के मैं जीरो बढ़ा दूंगा 7 से दिस इज थ्री टाइम एंड सिक्स टाइम जीरो टाइम और फाइव सेवेंटी टू टाइम तो स्पीड कितनी हो गई सेवनटी टू किलोमीटर पर आ रहा है मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आ रहा है तो क्या करेंगे भाई इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो फाइव बाई एटीन कर देंगे तो एटीन से दिस इज फोर टाइम फोर फाइव का कितना ट्वेंटी मीटर पर सेकंड तो क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू ठीक है

है ना तो ये ऐसे इधर पे जाएगा 28 इधर पे जाएगा तो ये बचेगा 2s और ये 28 हो जाएगा यहाँ पे तो s की वैल्यू आ जाएगी 14 s की वैल्यू कितनी आ गई 14 ठीक है भाई तो भैया तीनों का सम निकालना है ना s की वैल्यू 14 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इधर पे रख दो 21 s की वैल्यू तो 14 है ही और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे फोर्टीन इधर पे रखेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा ये अब इन सबको प्लस कर दो तो इधर पे आ जाएगा वन और इधर पे आ जाएगा सिक्स यानी क्वांटिटी वन की वैल्यू सिक्सटी वन और क्वांटिटी टू सिक्सटी है तो क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू नेक्स्ट क्वांटिटी वन ट्वेंटी थाउजेंड है सम ऑफ मनी ट्वेंटी पर एन एट सिंपल इंटरेस्ट फाइव ओके तो एस परसेंट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी कितना होता है वन अमाउंटेड रुपीज़ इतना तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा भाई अमाउंट परसेंट हो जाएगा टू ट्वेंटी परसेंट कितना मिल जाता है अमाउंट थर्टी थ्री थाउजेंड का मिल जाता है भाई तो पूछा क्या उसने वट इज द सम हंड्रेड परसेंट की वैल्यू पूछी है तो जीरो से जीरो उड़ाता हूँ पहले मैं इलेवन से दिस इज टू टाइम इलेवन से दिस इज हमारा थ्री हंड्रेड तो हंड्रेड परसेंट बनाना है फिफ्टी से मल्टीप्लाई दिस साइड और फिफ्टी से मल्टीप्लाई दिस साइड तो फिफ्टीन हंड फिफ्टी थाउजेंड आई है वैल्यू तो क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू ऐसे तो आ सकते हैं यार अभी में क्यों नहीं आ सकते ऐसे अगला आ जाओ

इलेवन आर प्लस में एट परसेंट और जो कि हो जाएगा इलेवन आर परसेंट प्लस में एटी एट परसेंट ये वाली वैल्यू लेस है इससे कितनी लेस है भैया इससे इसे काट कर दो तो कितना बचेगा एटी एट परसेंट कितना लेस है ये रखा भाई वन ट्वेंटी थ्री टू जीरो से इज एट टाइम और इलेवन से दिस इज हमारा कटेगा इलेवन टाइम और बचेगा हमारे पास टू तो दिस इज टू टाइम और जीरो और एट से यह कटेगा वन टाइम और एट से यह कटेगा फोर्टीन टाइम यानी कि वन फोर जीरो

फोर बाई थ्री था ना ये फोर बाई थ्री और वन यहां पे लेस कर दो थ्री माइनस वन माइनस फोर बाई थ्री कर देंगे हम लोग ठीक है तो फोर माइनस फोर बाई थ्री ट्वस फोर कितना हो जाएगा, जाएगा तुम्हारा uh, ना 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 ये फोर बाई थ्री करेक्ट है ये फोर बाई थ्री हो गया अब ये इसमें से लेस होगा तो टू बचेगा टू में से फोर बाई थ्री जाएगा तो कितना बचेगा? सिक्स, टू बाई थ्री बचेगी, तो इसकी फिजेंसी तो होगी टू बाई थ्री आगे वर्क तो होल वर्क है थर्टी सिक्स यूनिट का टाइम मैफिशेंसी कर दो टू और ऊपर चला जाएगा थ्री तो टू से इज हमारा कट जाएगा कितने टाइम एटीन टाइम एटीन थ्री सा फिफ्टी फोर डेज में यही आंसर है बढ़िया अगला आ जाओ अगला गया ठीक है भाई

168 कम लेके बैठे हो ठीक है तो इस 168 की जो भरपाई है ये 56 तो इसमें से दे देंगे तो अभी भी कितने की कमी बचेगी अभी भी कमी बचेगी 112 की अब ये 112 की भरपाई कौन करेगा इफ 15th नंबर इज थ्राइस ऑफ द 16th नंबर ओके सो 15th नंबर को मैंने x ले लिया दिस इज थ्राइस ऑफ द 16th नंबर अब ये 112 की जो भरपाई है ना ये करेगा कौन ये 15वां और 16वां नंबर है ना और ये अपने आप में 36 सिक्स तो होंगे ही दोनों यानी सेवेंटी टू होंगे ही होंगे और साथ में इतना और लाएंगे तो वन वन टू प्लस 72 टू लेके आएंगे ये लोग तो ये वन फोर लेके आएंगे यानी कि नंबर प्लस नंबर टू वन एट्टी फोर एक्स की वैल्यू थ्री वाई रख दो तो ये हो जाएगा फोर वाईक एटी फोर ठीक है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर से दिस इज हमारा फोर टाइम और फोर से सिक्स टाइम तो वाई की वैल्यू होगी फोर्टी सिक्स वाई क्या थान सिक्सटीन इज फोर्टी सिक्स बढ़िया हम्म hmm. ओके okay. चलो तुमको स्पीड अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे को बताओ मैं फिर धीरे धीरे कर लूं क्योंकि यार ऐसे क्लास में छोड़ के जाओगे बे फील होती है बहुत इंसल्टिंग फील होता है या तो क्लास में आया मत करो और क्लास में अगर आया करो तो फिर छोड़ के मत जाया करो यार है ना एग्जाम स्पीड डिमांड करता है इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं और अगर तुमको स्लो चाहिए तो मैं स्लो करा सकता हूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसे क्लास छोड़ के जाओगे तो मजा नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं आता बाकी टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता होगा मुझे पड़ता है भाई मुझे पड़ता है फर्क क्योंकि मैं पढ़ाने के मकसद से आता हूं तो मुझे पढ़ाने दो यार है ना तो ऐसे भागा भूगी मत किया करो प्लीज <coughs> और एग्जाम में मैं आपको बता दूं अगर तुमको प्यार से पुचकार के कोई पढ़ा रहे हैं ना तो एग्जाम में प्यार से पुचकार के तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे मैं बता दूं अटेम्प्ट वही कर लोगे पंद्रह बीस कर लोगे उसमें क्वांटम अटेम्प्ट फिर बोलोगे सर सेक्शनल में आउट हो गया मैं या ओवरऑल में आउट हो गया मैं तो अगर ओवरऑल में आउट होने जा रहे हो सेक्शनल में आउट होने जा रहे हो तो मैं पुचकार के पढ़वा दूँ तुमको क्योंकि पुचकार के नहीं होते एग्जाम में अटैम्प्ट ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं स्लो बता दूंगा यार आ जाओ स्लो कर लेते हैं इसको मेरे को तो सारे स्लो मेथड भी आते हैं द एवरेज ऑफ थर्टी नंबर इज थर्टी तो सम कितना हो जाएगा भाई थर्टी सिक्स इन थर्टी ठीक है यानी टू वन सिक्स जीरो सॉरी यानी कि वन जीरो एट जीरो सम हो गया कितने नंबर का थर्टी नंबर इसका ठीक है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर्टीन नंबर इज फोर्टी तो फर्स्ट फोर्टीन नंबर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टीन फोरजा फाइव सिक्सटी ठीक है लास्ट फोर्टीन नंबर का सम कितना हो जाएगा 14, 20, 4, जा. तो 14, 20, 4, जा कर लेते हैं ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर फोरटी सिक्स तो दिस इज सिक्स दिस इज थ्री एंड इज थ्री तो थ्री थर्टी सिक्स ठीक है अब ये पूरे नंबर में से अगर मैं ये दोनों हटा दूंगा तो मेरे पास नंबर और नंबर का सम आ जाएगा तो लेस करते हैं भाई इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स और यहाँ पे 8, तो वन जीरो सोलह तो बचेंगे हमारे पास वन एट्टी फोर तो ये वन एट्टी फोर वही है जो पहले आ चुका था हमारा ये वन एट्टी फोर हो गया यहाँ पे हमसे बोला है कि 15th ओके, जगह थ्री सिक्सटींथ रख देंगे तो ये 4 16th हो जाएंगे. 4 16th और में 184. तो फोर से इसको कट करेंगे 4, 4 जा जाएगा और 4, 6 जा जाएगा. तो फोर्टींथ नंबर लो कर लो भाई इजी कर लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार तुमको अगर ये ऐसा मेथड चाहिए तो मैं तुमको ऐसा मेथड दिखा दूंगा मेरे को कोई समस्या थोड़ी ना है और तुमको अगर फास्ट फास्ट चाहिए तो मैं फास्ट फास्ट सिखा दूंगा मैं तो दोनों में रेडी हूं ना यार मैं तो पढ़ाने आया हूं चलो अगला क्वेश्चन देख लो अवेजल अ मिक्सर ऑफ सिक्सटी लीटर ऑफ मिल्क एंड फाइव लीटर ऑफ वाटर ठीक है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इज टू बी एडेड to the the vessel so that percentage of milk in the final mixture is 80. okay 60 upon 5 plus x is equals to 80 upon 20. आंसर अब मत बोलना कि मेरे को स्पीड में कर दो अब ऐसे क्वेश्चन में यार बेजित ही करवाओगे क्या यार अपनी एग्जाम में जाके हा समस्या ये है ना मैं स्पीड में कराने लगूंगा तुम लोग बचोगे बीस पच्चीस लोग समस्या ये भी तो है चलो अगला देखो ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो इसका आंसर निकालो चलो इसका आंसर निकालो <सथ> मैं तो अब यही करूंगा ना इधर पे अब आगे से मैं क्या करूंगा यूजुअली यूट्यूब पे यही तो चलता है क्लॉक लगा दूंगा इधर पे वो टिक टिक करके चलती रहेगी और वो टिक टिक करके चलती रहेगी जब तक पंद्रह बीस सेकंड नहीं हो जाएंगे पच्चीस सेकंड जब तक तुम लोग अपने ऑप्शन के आंसर देना यहाँ पे ऑप्शन भी डाल दूंगा पांच जिससे कि अपनी हिड एंड ट्रायल भी लगा लेना तो वो सारे फंडे तुम लोग लगा लेना सीखना कभी कुछ नहीं तोके लगाना जरूर सीख जाओगे ऑप्शन दे दूंगा तो मैं तुक्के तो लगाते रहना बैठे बैठे और क्या कर सकते हैं भाई मैं सिखा रहा हूँ तुमको कि फास्ट फास्ट कैसे करना है तुमको अरे नहीं सर हम तो ऐसे ही करेंगे हम आदत से मजबूर हैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को देखो सिंपल सी बात बताएं क्या है मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा बताता हूँ आज आरआरबी में वैकेंसी कितनी है बताना कमेंट सेक्शन में कितनी वैकेंसी आर आरबी में मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ बताओ एक बार तुमको पता भी है या नहीं बस लगे पड़े हैं तैयारी में सिक्स के के अराउंड आठ हजार प्लस हजार के आसपास देखो ध्यान से सुनना पांच से छह लाख लोग फॉर्म भरेंगे, जिसमें से तीस से चालीस हजार हमारे होते हैं सीरियस कैंडिडेट ओके उसमें से वैकेंसी हमारे पास छह से सात हजार अगर बड़े नहीं तो किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन होगा ये बाकी तो हटा दो ये तीस चालीस हजार जो सीरियस है ना इन्हीं को काउंट करते हैं चलो ठीक है इतने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया इतने लोग सीरियस हैं इतने लोग सिलेक्ट होंगे तो वो कौन से लोग सिलेक्ट होंगे ये सारे सीरियस थे और क्योंकि इनमें से जो बाकी बचेंगे ना जो छह से सात हजार हमारी वैकेंसी जो भरी जाएंगी ना और इसमें से जो हटेंगे जैसे मान के चलो चालीस हजार हमारे सीरियस हैं और सात हजार वैकेंसी है तो वो जो थर्टी थ्री थाउजेंड स्टूडेंट बचे वो कौन से स्टूडेंट बचे उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया सीरियस तो थे वो उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया बताओ मुझे <coughs> क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया ये तैतीस हजार स्टूडेंट का क्या करना चाहिए क्यों नहीं हुए ये सिलेक्ट रीजन जानते हो आप रीजन यही है रीजन क्या है भीड़ में चलना है ना जिनको ये भीड़ वाले बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं कुछ हटके करोगे ना दोस्त कुछ जो एग्जाम की डिमांड है ना अगर उसको पकड़ के चलोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा इस टाइम पे हम बौखला जाते हैं जब हमारा एग्जाम के लिए बीस दिन पच्चीस दिन बचते हैं ना इस समय बौखला जाते हैं हम लोग के अब क्या करें ऐसे प्री के पहले होता है और ऐसे के पहले भी होता है और मेन्स के पहले तो बहुत भयंकर होता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना हम बौखला जाते हैं हम पढ़ें क्या सीरियस हो तभी तो बौखला रहे हो सीरियस नहीं होते तो फर्क ही नहीं पड़ता अगला एग्जाम दे देंगे ना यार निकलेगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं तो ये जो भीड़ वाले होते हैं ना वो आउट हो जाते हैं हमेशा होते हैं और हर साल होते हैं हर एग्जाम में होते हैं अब आप सोच लो तुम्हें भीड़ में शामिल होना है या थोड़ा सा अलग हट के काम करना है अलग हटके कुछ ज़्यादा हटके नहीं करना है बस एग्जाम की जो डिमांड है ना उसे पूरा करना है एग्जाम की डिमांड स्पीड है मानो या ना मानो आर का जो एग्जाम है वो तुम्हारा प्री से लेकर मेन्स तक पूरा स्पीड पर डिपेंड करता है क्यों क्योंकि मेन्स में भी तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं है जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा जो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो उसे इंटरव्यू में परेशान नहीं होना पड़ेगा सब क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं होता क्लर्क में तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाता तो उसके लिए तो तुमको पूरे आउट ऑफ पूरे करना है और पूरे आउट ऑफ पूरे बिना स्पीड के नहीं हो सकते क्योंकि आता तो सबको है घर पे आके सारे कर लोगे पूरे अस्सी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में नहीं बनेंगे ना वही छोटी छोटी गलतियां वही छोटे छोटे परेशानी और फिर बोलोगे सर पता नहीं मैं कहाँ लेक कर रहा हूँ लैग आप ये कर रहे हो कि जिस समय आपको स्पीड से पढ़ाया जा रहा था पढ़ ही नहीं रहे थे सर हमको तो पढ़ा ही नहीं रहा था कोई स्पीड से तो अभी तो पढ़ा रहे हैं ना लेकिन नहीं अभी छोड़ के जाएंगे क्यों क्योंकि आदत नहीं है ना समस्या ये है बेटा समस्या ये है और कुछ नहीं है मैं स्पीड में मैं पूरा करा दू मेरे को पूरे चालीस क्वेश्चन कराने में कुछ टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन समस्या ये है ना कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट जुड़ेंगे और वो आधे से ज्यादा भाग जाएंगे और वो आधे से ज्यादा जो भाग रहे हैं ना वो उसी तैतीस हजार की कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो उनका नहीं होना सिलेक्शन मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज कब भी नहीं होगा उनका जब तक उनके पास ये अकल नहीं आएगी ना जब तक ये सिलेक्शन नहीं पा सकते तो का लग गया एक आध का तो वो बात एका लगा हो जाती है करना पड़ेगा यार तुमको हटके काम करना पड़ेगा नहीं करोगे तो कुछ ले जाओगे क्योंकि जो कर रहे हैं वो तुम्हारे आगे निकल जाएंगे रेस चल रही है बढ़िया तरीके से भाग रहे हैं सारे जो भागना सीख गए हैं ना दौड़ते दौड़ते फेल होते होते वो भाग रहे हैं अब अपनी रफ्तार से और जो नहीं सीखे हैं उनको कोई भी कुचल के चला जाएगा पीछे मुड़ के देखने का तो समय ही नहीं है यार के नहीं देख सकते आप, आपको आगे ही देखना है और आगे ऐसा देखना है कि कोई दिखे ना तुमको आगे और जब तुमको कोई दिख गया ना तो उसको पार करने की कोशिश करो इतनी हिम्मत होना चाहिए और नहीं है तो तुम्हारे आगे कोई निकल गया खैर जो भी है अब इस क्वेश्चन का आंसर लोग तो रहे हैं कितना बता रहे थे भाई कमेंट सेक्शन में

सारे लोग इसका आंसर का सही करके दे दीजिए मुझे मैं खड़ा हूं यहां पे दस मिनट के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लास्ट लाइन कंफ्यूजिंग है क्यों भाई मैक्सिमम मिनिमम क्वांट का ही हमारा टर्म है है ना? अब ये जो है बिजनेस ये जो है इन्वेस्टमेंट ये जो है रेशियो ये जो है मंथ्स ये जो है डिफरेंस ये जो है अंड ये सारे इंग्लिश के वर्ड है लेकिन मैथ्स में यूज हो रहे हैं हमें इनका तो मीनिंग समझ में आ रहा है इनको तो हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं लेकिन जैसे ही हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है ये भी दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं इसको हम में नहीं नहीं लगा पाते इससे डर जाते हैं। क्यों कभी कोशिश ही नहीं की हमने लास्ट लाइन लास्ट लाइन से कुछ होगा ही नहीं यार लास्ट लाइन का कोई मतलब ही नहीं है लास्ट लाइन का मतलब देखो मैं बता देता हूं देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर ऑफ ए

से, by them is इतना, तो total यहां से हमारा बट जाएगा फोर से दिस इज फाइव टाइम और फोर से दिस इज सिक्स टाइम तो दिस इज हो गया थर्टी फाइव और दिस इज हो गया हमारा फिफ्टी फोर ठीक है तो टोटल तो हो गया हमारा कितना

यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकता है सर रिस्पेक्टिवली नहीं है तो ए का इन्वेस्टमेंट एक बार सेवन होगा तो बी का नाइन होगा और अगर रिस्पेक्टिवली नहीं है तो ए का नाइन भी तो हो सकता है और बी का सेवन हो जाए ए लगा रहा है ट्वेंटी मंथ्स के लिए और बी लगा रहा है इससे चार मंथ्स ज्यादा के लिए यानी कि ट्वेंटी फोर तो भैया कट कर लो फिर फाइव से कट करते हैं फाइव से नहीं फोर से फोर से दिस इज फाइव टाइम और फोर से दिस इज हमारा सिक्स टाइम थि

देखो, तो है नहीं अब देखो लास्ट में वन आ रहा है ना यानी 89 नाइन नाइन में मैं कितने का मल्टीप्लाई कि लास्ट में वन आ जाए नाइन का ही करा लो सर और स्टार्टिंग में ट्वेंटी आ रहा है तो एट में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वेंटी फाइव के आसपास पहुंचे एट थ्रीजा ट्वेंटी है ना? एट थ्री सा ट्वेंटी फोर और थ्री का इसमें करेंगे तो ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी फोर में टू देंगे हो जाएगा लेकिन ये तो ट्वेंटी है। तो टू में करा लो नाइन से ट्वेंटी तो एट्टी नाइन से ये कटेगी ट्वेंटी तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी नाइन क्योंकि वन यूनिट की वैल्यू ट्वेंटी तो थर्टी फाइव की कितनी थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी तो फाइव So, 5, 1, so, तो दिस इज फाइव दिस इज वन एंड दिस इज की वैल्यू यहां से मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया मिनिमम प्रॉफिट so, uh, so, so, ये हो गया, गया. दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी यही हमारा आंसर है यही हमारा आंसर है अब अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं भाई अधिकतर लोग इसका डिफरेंस निकाल लें होंगे इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस मारा होगा उन्होंने देखो कितना आ रहा है ट्वेंटी का डिफरेंस है ट्वेंटी का और वन और चला जाएगा उसमें से नाइनटीन का डिफरेंस है तो ट्वेंटी नाइन में उन्होंने नाइनटीन का मल्टीप्लाई करा दिया बस और क्या ही? कुछ नहीं किया उन्होंने नाइनटीन टू जो थर्टी एट किया होगा और नाइनटीन नाइन जो वन सेवेंटी वन ये वन बोला ये फाइव बोला और ये फाइव बोला फाइव फिफ्टी वन सभी ने निकाला

इसमें भी तो रेशियो में रिस्पेक्टिवली नहीं दिया दिया है बेटा वर्ड प्रॉब्लम देखो कहा रिस्पेक्टिव रेशियो ये दिया तो है रिस्पेक्टिवली को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी क्वांट में पूरा बदलवा देता है ये मामला तुम्हारा सही बात सर इसको अगर 10 क्या एक घंटे भी दे देते तो भी नहीं होता क्या मैं तो सही सिखा रहा हूँ तुमको अब जो बेटा बेटा करके पुचकार पुचकार के तुमको सिखा रहे हैं कुछ नहीं होता उससे यार उससे एग्जाम नहीं निकलते तुमको मजा जरूर आए उन टीचर्स के तुम फैन जरूर बन जाओगे तुम कुछ बनो या ना बनो तुम अपनी जिंदगी में बैंकर बनो या ना बनो उनके आप फैन जरूर बनेंगे और आपके लिए ये उपाधि बहुत बढ़िया रहेगी उस पर्टिकुलर टीचर के लिए तो किसी के फैन मत बनो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ हमारा चैनल है ना उस उसमें जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना मैं यही कहता हूँ तुम पढ़ो सिलेक्शन लो चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ पढ़ो ग्रुप में रहो जिस दिन सिलेक्शन हो जाए ग्रुप छोड़ के भाग जाओ क्या जरूरत है यार अपनी फैमिली संभालना ना अब अपनी जिम्मेदारियां संभालना नौकरी करना पैसे कमाना अपने माँ बाप की सेवा करना कुछ साल बाद शादी करना अपनी फैमिली बनाना अपने बच्चों को पढ़ाना यार ग्रुप में जुड़े रहोगे क्या यार चैनल ही सब्सक्राइब करे बैठे रहोगे क्या यार चीजों को समझो यार डिमांड किस तरह की है किस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तुमको अपने आप को प्रिपेयर करना है तुम अगर अपनी तैयारी में ढीले पड़ जाओगे ना कोई दूसरा तुम्हारे से ऊपर निकल जाएगा बल्कि वो तुम्हारे से लेवल में कम ही क्यों ना हो सिर्फ तुम्हारे एक एक इंसान के ढीले पड़ने से तुमसे कम से कम दस लोग आगे निकल जाएंगे जो कि बिलो एवरेज पढ़ रहे थे लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ रहे थे इसलिए वो तुमसे ऊपर हो गए और तुमको लगता है क्या मैं मेरे को तो बहुत आता है अरे नहीं आता है नहीं आता है सीखना बाकी है बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे खैर अब ये सारी जो भी कैलकुलेशन में ये करता हूँ मेरे को कोई टेबल फेबल याद थोड़ी ना है यार ट्वेंटी नाइन का टेबल याद नहीं है मेरे को ट्वेंटी नाइन थ्री सेवन कैसे कर दिया मैंने मन में कर दिया है यार मेरे को नहीं है, सीरियसली मेरे को पंद्रह तक पहाड़े याद है बस हो जाता है काम

तो थर्टी फाइव सिक्स करना है कर 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 लो 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 भाई होता होता है है और 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 उसका दो दो तो 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 एक लगा मेरे को नहीं आता क्या जरूरत है पहाड़ याद करने की कोई जरूरत नहीं है हो जाता है काम कैलकुलेशन ऐसी तो की जाती है ये सारी चीजें सीखना है ना चलो

ओके okay. अप स्ट्रीम से ये 120 किलोमीटर फोर आवर्स में जा रहे हैं रहा तो स्ट्रीम स्पीड है कितनी टू यूनिट तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 तो वन यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई थर्टी किलोमीटर पर आर और इसकी कितनी आ जाएगी वन यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 थ्री फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आर तो हमें निकालना क्या थाड मीटर इन स्टिल वाटर तो फाइव हंड मीटर कितना होता है, होता है। और में 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 स्पीड चाहिए तो दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड दोनों को प्लस करो टू से डिवाइड दोनों को प्लस जाएगा ऊपर तो ये कितना हो जाएगा वन बचेगा तो वन अपॉइंट सेवेंटी अच्छे नहीं लग रहा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लो मिनट में हो गया, 15 से फोर टाइम यानी मिनट ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो सेकंड में बदल लो फाइव से फॉर्म अच्छा तो अच्छा में छोड़ दो फाइव मिनट में, में, में बोलेगा तो फोर बाय फाइव मिनट सेकंड में बोलेगा तो फोर्टी एट सेकंड जिसमें भी ऑप्शन दिया होगा उसमें तैयार रहो ऑप्शन लगाने के बुझे अगला आ जाओ अगला क्या है

है ना तो इस 1500 में से दो पार्ट और बढ़ जाएंगे एक आएगा तुम्हारा अडल्ट का, और एक आएगा तुम्हारा अडल्ट का। तो यह हमारे कितने हो, रहा है? 15 यूनिट, 15 से ये 10 हो गया भाई आगे देखो परसेंट अडल्ट आर एम्प्लॉयड मेल अब अच्छा इसमें आ जाओ अब ये हमारे अडल्ट अनएम्प्लॉयड है ठीक है अब ये अडल्ट आ गए अडल्ट में दो चीजें निकलेंगी

तो ये हो जाएगा फाइव वन सेवन यानी कि ये हो जाएंगे ठीक है अब हमसे पूछा गया उसने हमसे पूछा देन हाउ मेनी अडल्ट एम्प्लॉयड तो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कितनी होगी ये वैल्यू निकालना है तुम्हारे को ठीक है अच्छा अनएम्प्लॉयड अडल्ट कितने थे अनएम्प्लॉयड अडल्टन ट्वेंटी थे तो ये वाली वैल्यू होगी वन ट्वेंटी तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी इलेवन हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी तो इलेवन हंड्रेड से तो बचेंगे थाउजेंड थाउजेंड माइनस ट्वेंटी और 980 में से ये 715 चला जाएगा तो ये फीमेल आ जाएंगी तो 980 एट्टी माइनस सेवन तो यहाँ पे बचेगा 65 और यहाँ पे 2 तो टू सिक्सटी मेथड हम्म लग रहा है और क्या ही है इसमें? अगला डीआई है? है इस टाइप की डीआई की बात कर रहा था मैं इस टाइप की डीआई में अधिकतर लोग परेशान है भाई पढ़ के देखो जरा क्यों परेशान है और वो टर्म्स बताना किस टर्म्स की वजह से परेशान है लोग इसमें बताओ इस टाइप की डीआई में क्यों परेशान है आरआरबी में पूछी जा चुकी है इस टाइप की डीआई कई बार और एक बार नहीं कई बार

सॉरी नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाय फाइव शॉप इन टू मंथ्स अक्टूबर एंड नवंबर ठीक है नोट क्या है नंबर ऑफ सोल्ड बाय ई शॉप इन नवंबर ओके सो अक्टूबर का डेटा जो है ये ज्यादा रहेगा हमारा नवंबर से क्योंकि बात यह है बात थी दूसरी लाइन की दूसरे बारग्राफ की क्योंकि इसमें डिफरेंस वर्ड दिया है और डिफरेंस हमारा हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है तो इसमें ऐसा था नहीं भाई तो इसलिए इन्होंने नोट अलग से चिपका दिया इधर पे कि भाई बड़ा माइनस छोटा कर लो अब तुम ठीक है तो पहला जो वैल्यू है यानी ब्लू वाला जो बार है वो हमारे को एवरेज दिया गया है नवंबर और अक्टूबर का और ये हमें अक्टूबर माइनस नवंबर दिया गया है तो इसकी टेबल बना लेते हैं झटपट तो यहाँ पे बना लेते हैं टेबल तो के एल एम एन तो के एल एम और एन एंड ओ तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अक्टूबर की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी नवंबर की वैल्यू ठीक है ये कुछ इस तरह से इसकी टेबल बन जाएगी। चलो निकालते हैं वैल्यू तो सबसे पहले एक दो तीन चार पांच गैप है और वैल्यू फिफ्टी की है यानी स्मॉल गैप की वैल्यू कितनी है स्मॉल गैप की वैल्यू है तुम्हारी टेन यूनिट के बराबर ठीक है अब देख लो भाई तो ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है हंड्रेड से टेन एंड टेन

अब इसमें देख लो इसमें ये वैल्यू कहां पे जा रही है ये हमारा 150 है यानी 175 और 175 का जस्ट डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 270 है ना 175 का डबल सॉरी 350 तो ये हो जाएगा हमारा 350 और ये वाली वैल्यू है 150 है ना तो 350 तो हो गई टोटल वैल्यू अब इन दोनों को प्लस कर लो तो हो जाएगा 500 तो 500 डिवाइड बाय 2 250 और ये हो जाएगा 100 कैसी रही काम बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है काम क्या दिक्कत है ऐसी अगला कर लो अगला कितना है भाई दस 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 तीस टू थर्टी तो ये टू थर्टी का डबल फोर सिक्सटी तो ये तो हो गई वैल्यू पहले फोर सिक्सटी टोटल और बाकी डिफरेंस कितना है इसका दस 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 थर्टी यानी कि वन एट्टी अब दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर लो या पहली टू से डिवाइड कर लो पहली टू से डिवाइड कर लो या दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा दिस इज फाइव फोर्टी एंड सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी डिवाइड बाई ट्री ट्वेंटी और थ्री ट्वेंटी से लेस हो जाएगा तो वन फोर्टी अगला आ जाओ अब ये वाली वैल्यू कितनी है भाई 160 160 का डबल कर लो तो दिस इज 320 तो ये तो हो गया भैया 320 और ये वाली है 160 ये ये हो हो जाएगा 480 480 डिवाइड 240, 240 गया तो ये हो जाएगा 80 बहुत बढ़िया अगला आ जाओ ये वैल्यू है 250 का डबल 500 तो ये तो सम हो गया इनका 500 और ये वाली वैल्यू जा रही है 10 और 10 बीस यानी कि 220 तो ये हो जाएगा सेवन ट्वेंटी डिवाइड बाई टू थ्री और ये हो जाएगा वन लो बन गई टेबल तुम्हारी क्या दिक्कत हुई टेबल बनाने में कोई भी नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है टेबल बनाने में झटपट बन गई बस अब जितने जल्दी टेबल बनी है उतने जल्दी क्वेश्चन होंगे बताओ फटाफट से बस इसको कॉपी मारना पड़ेगा मेरे को कॉपी मार लेता हूं मैं ठीक है साफ सुथरा हो गया मामला ओके बस आ जाओ इसको कॉपी कर लेते हैं यहां पे इनके क्वेश्चन मार देंगे अपन लोग ठीक है तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमसे पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाय ए एंड बी इन नवंबर इज 25% एंड 20% मोर देन दैट बाय के एंड ओ इन रेस्पेक्टिवली इन अक्टूबर तो के और ओ के देखो पहले के एंड ओ 180 360 180 360 ठीक है इसका 25% कर देंगे ए आ जाएगा 25% मोर यानी 125%

देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाई ए इन नवंबर एंड नंबर ऑफ सोल्ड बाई बी इन नवंबर इन दोनों का डिफरेंस पूछा उसने तो दिस इज टू हंड्रेड टू हंड्रेड के बाद सेवन यानी दो सो आंसर ओके okay. एग्जाम में पहले टेबल बना लो भाई झट से टेबल बनाओ फट से क्वेश्चन करो द नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाई के एंड एम टूगेदर सॉरी के एंड एम इन अक्टूबर तो के एंड एम इन अक्टूबर कितने हो रहे हैं भाई पूरे पूरे फाइव हंड्रेड हो रहे हैं

16 का इसमें मल्टीप्लाई मार दो आप 16 16 या फिर 16 का सीधा इसमें मार दो 16 11 का कितना होता है 176 होता है सो दिस इज 176 ज़ीरो एंड 176 तो कितना हो जाएगा 177.76% मोर बस हो गया आंसर यही ऑप्शन में मिल जाएगा तुमको ठीक है भैया अगला आ जाओ अगला क्या है इफ द नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाय ओ एंड एन इन दिसंबर इज इतना तो देखो दिसंबर का डाटा नहीं है इज इतना और इतना परसेंट

और इसका डबल एन हाफ कर लो तो दिस इज 270% एंड दिस इज 40% परसंट. मतलब 40 तो परसेंट से दोनों जीरो कौन तो दिस इज 108 पूछा क्या उसने पूछा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉलेट सोल्ड बाय ओ एंड एन दिसंबर तो दोनों का सम कर लो कितना हो जाएगा 269 260 9 खत्म हो अगला देख लो भाई अगला क्या है

फोर थर्टी फोर थर्टी जीरो से जीरो 140 है ये हंड्रेड है बीस रुपए से दे दो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इज द आंसर मुझे चलो अब कल कैलकुलेशन का एक वीडियो आएगा भाई कैलकुलेशन अगर आप लोग अच्छी करना चाहते हैं इस तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं एवरेज की परसेंटेज की रेशियो की स्क्वायर रूट स्क्वायर टेबल टेबल क्यों याद नहीं करें स्क्वायर रूट क्यों याद नहीं करें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मैं ये नहीं बताऊंगा स्क्वायर रूट रटने की बहुत वैज्ञानिक विधि नहीं यार वीडियो पड़े पड़े हैं यूट्यूब पे ऐसे रटे स्क्वायर अपनी टेबल के पीछे इधर पे वॉल पे ए फोर सीट पे स्क्वायर लगा लें रोज़ सुबह उठोगे अरे कुछ नहीं होता भाई कोई वैज्ञानिक तरीके नहीं है वैज्ञानिक तरीके से एग्जाम नहीं निकल रहा भाई वैज्ञानिक तरीके से सिर्फ व्यू बढ़ते हैं यूट्यूब पे और वो तुम लोग बढ़वा ही रहे हो है ना तो तरीके बताएंगे सॉलिड जिससे आपका एग्जाम निकल जाए ओके तो उस तरह की क्लास होगी बाकी तो आज के लिए इतना ही है ये हो गया हमारा पूरा सेशन तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी कमेंट वगैरह शेयर वगैरह तुम लोग कर देना जो भी तुम्हारा मन करे, आज के लिए इतना ही नाविग्ञन से इतनी सिद्धम कहानी खत्म मिलते हैं अगले सेशन में जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर ओके थैंक यू छह बजे वाली देखो यार मन करेगा तो डाल दूंगा